खुश आमदेद। मेरे आज मेहमान है सरमद गफूर, गिटारिस्ट हैं आप, और गिटार के साथ क्या अच्छा खेलते हैं, इसे खेलना ही कहूंगी मैं। बिल्कुल, आप अंग्रेजी में तो यही कहते हैं, अंग्रेजी में ही कहते हैं प्लेइंग प्लेइंग गिटार। अच्छा, तो आपको खुद कैसा लगता है? एक इनर सेल्फ, एक इनर फील होता है ना, कोई भी काम जब आदमी कर रहा होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे काफी वक्त से मैं म्यूजिक कर रहा हूं, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, सो आई लव डूइंग इट बिकॉज़ दिस इज माय फुल टाइम जॉब। सही। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती है, अब आप पता नहीं उसमें साइकोलॉजिस्ट अगर कोई सुन रहे हो तो वो किस तरह से एनालाइज करेंगे। मुझे एक थोड़े अरसे के लिए बड़ा दिल जाता है, उफ मैंने वायलिन सीखना है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगता है वायनी टाइम निकाल सकती, मेरे से नहीं हो सकता, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो आप कैसे हुआ कि पैशन जो है वो डाई डाउन नहीं हुआ, वो किसी वक्त खत्म नहीं हुआ, एंड यू जस्ट केप्ट ऑन मूविंग? राइट, नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। असल में पर्सनली मेरे ख्याल है, आई मीन अभी भी आई एम रियली रियली पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मगर आई कांट डू इट बिकॉज आई डू नॉट हैव द टाइम फॉर इट। And I think you have the same problem. ये combination तो क्या कहते हैं, flawed है, काफी flawed है। Destined to be. तो ये कैसे हुआ कि गिटार बजाते हुए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स वगैरह, चलो कंप्यूटर तो फिर भी समझ आती है, exactly, some repo है, exactly. And mathematics का भी है कोई? मैथमेटिक्स का बहुत, असल में म्यूजिक जो है मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, आपका जो टाइम होता है ना उसकी, तब भी मुझे नहीं आता। अच्छा, मुझे समझ आया, ये मैथमेटिक्स तो हर जगह है, आपको पता है, आर्ट में भी, पेंटिंग में भी, हर एक चीज में। हाँ, आजकल मुझे जुनैद जमशेद का वो पुराना गाया हुआ गाना बड़ा, वो ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, अब ना मैथ्स आएगा ना म्यूजिक आएगा, मैथ्स आने की उम्र तो गुजर गई और म्यूजिक जो है वो इसीलिए नहीं फिर आता। सही बात है। अच्छा, एजुकेशन का जो क्या कोई बैर है म्यूजिक के साथ, के बाज़ों का जो लोग इन काम इसमें पढ़ते हैं वो कुछ पढ़ने वढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देते? नहीं, पहले ट्रेंड होता था, क्योंकि पहले नेचुरली प्रोफेशनली लिया जाता था और एक ही घर में रहता था, घराने में रहता था म्यूजिक, तो अब जो है हर एक ने शुरू कर दिया, तो आजकल तो ट्रेंड सही है, आई मीन काफी एजुकेटेड लोग हैं, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, बट हाँ जी, यू आर कॉन्स्टेंटली सरप्राइजिंग मी, अच्छा, बल्कि शॉकिंग मी। राइट, सो बेसिकली किया हुआ था, मम्मी अबू ने कहा था कि पढ़ाई कंप्लीट करो फिर जो करते हो करो, तो मैंने वही किया। अच्छा, अमूमन जो गिटारिस्ट खड़े होते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं कॉन्सर्ट्स में या बैंड्स में, और लीड गिटारिस्ट खास तौर पे, तो वो उनकी जरा जुल्फें ऐसे होती हैं, वो कुछ ऐसे करके लगे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है कि मतलब क्या मामला है, क्या हो रहा है। मेरी भी काफी लंबी जुल्फें थी एक जमाने में। हाँ जी, तो कहाँ गई? बस चली गई, अब शायद फिर आ जाए। चली गई या किसी ने कटवा दी? मैंने खुद ही काट दी। अच्छा, काटनी तो खुद ही थी, मगर किसी के कहने पे काटनी होती है? नहीं, अपने कहने पे। अच्छा, मन मौजी, आप जब दिल चाहा बढ़ा लिया, जब दिल चाहा कटा दिया। एग्जैक्टली, सो आई मीन इट हैज आल्सो समथिंग टू डू विद ये खास एक जो गेटा पंदाज। हां, आई गेस सो, बिकॉज़ वो म्यूजिशियंस का कुछ यू एटीट्यूड होता है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो हां जी, यूजुअली टिपिकली आर्टिस्ट का सारा यही होता है, तो वो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, तो बाल भी लंबे होते रहते हैं मेरे। अच्छा, नहीं करता। बंदा इसका मतलब केयर करे वो फिर आर्टिस्ट नहीं है? नहीं है, एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूं जनरली जनरली होता है ट्रेंड। अच्छा, आदत, आतिफ असलम का एक बड़ा ही जबरदस्त और हिट सा सॉन्ग है ना, बहुत सारे लोग तो उस गाने के इतने फैन हैं कि बस दे कैन डू एनीथिंग टू लिसन दैट सॉन्ग। आपने बड़ा अच्छा उसको इंस्ट्रूमेंटली प्ले किया। मैं करूंगी इंशाल्लाह। हां, लेकिन अभी करेंगे हम। अच्छा, अभी ठीक है, ठीक है ना, तो हम शुरू करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर आप सुनना चाहें तो आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जरा बढ़ाकर, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, चिल कर सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटली प्लेड इस म्यूजिक को। कर रहे हैं।
सही लाइफ लाइफ में सारी गड़बड़े जो है वो माफ होती हैं। मैं माफ होती हूँ। हाँ माफ होती हैं। मेरी अम्मा मुझे बताया करती थी ट्रेन जब आ रही हो तो आपने इधर से ना गुजरना नहीं होता, तो मैं कहती थी क्यों ट्रेन को ब्रेक नहीं लग सकती, मेरी अम्मा मुझे कहा करती ट्रेन को सात खून माफ होते हैं। मैं इतना क्या मास्टर है। लाइफ में भी सात गलतियां माफ होती हैं, आठवीं में पकड़ होती है। ठीक है, ये बस ये गलती है इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं गलती नहीं है ये तो वो एरर्स। अभी इंशाल्लाह ठीक हो गया। ठीक है यार, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था अगर कैमरा शो करे ये तो एक जहान इनके कदमों में पड़ा हुआ है। अभी पूरी मेरा हालत दुनिया सिमट के आ गई है इधर। ये क्या क्या है? ये बेसिकली लूपर एक। अच्छा। ये क्या करता है कि मैं अभी जो भी रिकॉर्ड करूंगा ना तो वो जो है उसको लूप में चलाता है। और ये क्या है जो सामने ये पड़ा? ये इफेक्ट्स प्रोसेसर है, इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स लगते हैं। और ये सारा कुछ आप साथ साथ करेंगे? हाँ साथ साथ करते हैं। ग्रेट। तो आप गाड़ी तो बड़ी जबरदस्त चला लेते होंगे। काफी। सॉरी डोंट माइंड माय सिली क्वेश्चंस। लेकिन जब एक बंदा पहली दफा किसी चीज को देखे तो शायद इसी तरह की उसके भावना आ जाते हैं। ओके चलें। अच्छा जी। आदत है जरा और तरह के इंस्ट्रूमेंट सुनने की, तो मुझे उसका तो पता है कि उस पे कहते हैं वाह वाह क्या बात है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या कहना है। या मतलब हाउ टू अप्रिशिएट इट, इट्स गुड, थैंक्स, थैंक यू, वर्क वेल। सॉरी लाइफ का वजह एक होता है थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा कभी फर्क पड़ता है बहुत। एब्सोल्युटली, असल में मसला ये होता है कि लाइफ में कि आपके डिफरेंट एनवायरनमेंट में यू परफॉर्म डिफरेंटली, आपकी प्लेइंग पोजीशन ऑल्टर्स एंड यू नो द वे यू आर लिसनिंग टू एवरीथिंग ऑल्टर्स एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट। आप इससे ज्यादा तो खड़े होकर परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली, बैठ के परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। जैसे बच्चा बेचारा मचल रहा होता है ना, तो उसे काबू करना मुश्किल होता है। गिटार का उसी तरह से सूरत हाल है ना। अच्छा सर, मैं क्या देखते हैं आप कि कहाँ तक जाना है, क्या करना है?